ठीक ठाक मने वो एप्लीकेशन है गोरा ला। हेलो, कैसे हो आप सब? आप सब सोचेंगे कि शांति दी अपने मायके पहुंच गई क्या, क्योंकि अभी तो वीडियो में आप सबको मेरे बड़े पापा और मेरी सिस्टर दिख रही हैं और बड़े पापा फ़ोन में कुछ पढ़ते हुए आप सबको नज़र आ रहे हैं। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। रीज़न कुछ ऐसा है जो अभी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है जो छोटी छोटी बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और हार जाती हैं, खासकर हमारी महिलाएं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। वैसे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की है, बहुत ही कम शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगी या ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। दोपहर वाला टाइम है और ये देखिए मेरा हाथ जला कैसे, कान पकड़ लेते हैं। दादी माँ बोलती हैं कि हाथ जल जाता है तो कान पकड़ लेते हैं। और दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी यहाँ पे। मेरे को खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बयां करूँ। आज कुछ ऐसा हुआ जो है मेरे साथ जिसको बताने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ कि मैं आप सबसे इस बात को शेयर कर पाऊँ। अचानक से यहाँ पे मौसम जो है वो ख़राब हो चला है, तो मैं जा रही हूँ छत पे, गेहूँ जो कल धोए थे ना वो वहाँ पे रखे हैं, तो मैं उसको उठा के लेके आती हूँ। और अभी मैं हूँ अपने छत पे। इतनी ज़्यादा ठंडी, इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी हफनी हो गई, मतलब छत पे सीढ़ी तक नहीं चढ़ा जाता। क्या हाल बना लिया है शांति तूने अपना। और बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब है, सोचा जल्दी से गेहूं उठा लूं, लेकिन यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारे घर के पीछे से ऐसा कुछ दिखता है, उधर से ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरियाली हरियाली दिखती है। और आप सब हमारे घर के आसपास दिखेंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट जो आप सब ने निकाल के मेरे वीडियो को देखने में लगाया है ना, उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आज आप सबकी वजह से ही मुझे इतनी सारी खुशियाँ जो है वो हासिल हुई है। अगर आप सब नहीं होते तो पता नहीं आज तक मैं कहाँ होती या क्या कर रही होती, होती भी या नहीं होती। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ और जब भी मुझे लगता है तब मैं इस बात को ज़रूर बोलती हूँ। यहाँ पे ये देखिए गेहूँ बहुत सारा था कल मैंने जो धोया था, तो बस मैं उसी को उठा के लेके आके, मतलब मैं सोचा कि रख दूँ तो ये जो है छत से ले आएंगे, वरना मैं भी छत से उठा के ले आ सकती हूँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अरम्या बोल रही थी कि मम्मी ना आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, तो बीच में जो है उसने वीडियो रोका और रोक के बोल रही है कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही आप अच्छी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। मेरी बेटी मेरी तारीफ बहुत कम करती है, लेकिन कर दी तो मैं भी मुस्कुरा दी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की यू ट्यूबर गांव की शांति, शांति बनी प्रेरणा। आर्टिकल छपाई लो दीदी का, न्यूज चैनल पे आर्टिकल छपाई लो दीदी, तेरे घर सुना ना दो दीदी, पढ़ी थोड़ी ना लोग लगो। तो यहाँ पे बड़े पापा बहुत ही ध्यान से 5-6 बार पढ़ रहे थे और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है, क्योंकि मैं जिधर से बिलोंग करती हूँ या जिस घर से, आप समझ सकते हैं लड़के, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और मुझे ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी वो एप्लीकेशन है गोरा ला, शॉर्ट वीडियो डाले खातिर बड़ लड़की हो गई भी है। अब बड़ आदमी बन गई भी है। हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छा एक मिनट, पहले अजान चल रही है, अजान ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आप सबसे बात करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? मेरे बड़े पापा को आपने वो न्यूज़ पढ़ते देख लिया, और वो न्यूज़ पढ़ते देखने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। कि उस न्यूज़पेपर में साफ लिखा है कि मैं शुरू से ही, मैं जो भी कुछ बातें बोलती हूँ
आप सबको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को टारगेट करती हूँ या फिर खुद की ही स्टोरी सुनाती हूँ। रीज़न इसलिए है कि छोटी उम्र में शादी कभी भी ना करें। मैं इसीलिए बताती हूँ अपनी स्टोरी ताकि कोई भी माँ बाप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर जिनके छोटे से भी बच्चे हैं वो इस बात को समझें कि आप तो शादी कर देते हो लेकिन सब कुछ झेलना, सब कुछ सहना, सब सारी चीज़ें उठाना करना, वो सारा कुछ आपका अपना बच्चा झेलता है, आपकी अपनी बेटियाँ झेलती हैं। तो इसलिए मैं इसके विरोध में शुरू से रही हूँ। मैं टिकटॉक पर भी बोला करती थी, औरतों के लिए बोला करती थी, मैं यूट्यूब पे भी बहुत जगह बोलती हूँ। हालांकि यहाँ पे वही है कि हर चीज़ को मेरे से जोड़ के देखा जाने लगता है कि जैसे कि मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत दुख देते हैं, इस तरीके से जोड़ के। हालांकि ये चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपकी फैमिली आपको कोई बात बोल रही है या सोच रही है। नहीं, आप मेंटली और फिजिकली भी अगर आपकी शादी बहुत कम उम्र में होती है तो आप झेलते हैं, आप झेल रहे होते हैं। और इन्हीं सबसे मैं ऊपर उठ के बोलती हूँ कि तो आज की वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये मेरे यूट्यूब की वजह से और आप सबकी वजह से हुआ है। सबसे पहले तो प्रणाम माता रानी को, ऊपर वाले को, उसके बाद आप सब। अगर आप सब नहीं होते, जब भी मैं ये बात बोलती हूँ कि 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको लगता होगा कि ये क्या बोलती हैं। मैं यही बोलती हूँ कि सच में वो 10 मिनट बहुत कारगर होते हैं मेरे ज़िंदगी को बदलने के लिए जो आपने बदला है। अर्ली न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे एक आर्टिकल छपा जिसमें मुझे इतना, मैं यहाँ की पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, जो श्रद्धा जी हैं उन्होंने, वो मुझे टिकटॉक से जानती हैं लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है या अच्छी है। उनका भी यूट्यूब का एक पेज है जहाँ पर वो, मैं रेगुलर तो नहीं बोलूँगी लेकिन वो वीडियो वगैरह डालती रहती हैं, लेकिन उनका ये खुद का न्यूज़पेपर है और उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, अपने न्यूज़पेपर पे जगह दी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लखनऊ से ये रोज़ न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर निकलती है, छपती है वहाँ से। और ये कोई मेरे से, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया था, उन्होंने मेरे से कोई इजाज़त नहीं ली थी या फिर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। जिस दिन मेरे 1 लाख हुए थे उनका इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन शांति जी, मैं बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। मुझे लगा कि शायद वो अपने चैनल पे मेरे लिए कोई वीडियो बना के डालेंगे क्योंकि वो टिकटॉक से देख रही हैं मुझे, तो शायद वो मेरी जर्नी के बारे में कुछ बोलेंगी कि। लेकिन जब आज उनका इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमारी कभी कॉल पे बात नहीं हुई है उनसे, आज उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, एक लिंक आया जो लिंक खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। और मैंने उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया और उनके व्हाट्सअप पे मैसेज आया, जो लिंक आया, जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सब एक बार उस वीडियो को ज़रूर, मतलब उसको पढ़िएगा ज़रूर जो उन्होंने लिखा। उसको पढ़ने के बाद मैं उस समय इंस्टा के कुछ वीडियो शूट कर रही थी और मैं वहाँ पे खड़े खड़े रो दी, मैं बहुत रोई बहुत रोई। पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, जिस जगह से हूँ, मैंने बताया है मेरा ज़िला गाजीपुर है, जहाँ जितने भी लोग बलिया, गाजीपुर, बक्सर, आजमगढ़ साइड के होंगे वो समझेंगे कि हमारे यहाँ औरतों की स्थिति क्या है, किस तरह से हमें, हमारे यहाँ औरतों की स्थिति है। ये कोई दिल्ली बम्बई जैसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे ये माना जाता है कि कदम से कदम मिला के चल सकती हैं औरतें। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं इसको सम्मान ही बोलूँगी, जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप सबका, क्योंकि आप सब नहीं होते तो शायद मेरे लिए 4 लाइनें कोई नहीं लिखता या फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस खुशी को किन शब्दों में बयां करूँ। अंधेरा हो रहा है, दोपहर में मैं इतना रोई, इमोशनल हो गए कि मैं सो गई थी, वो चीज़ में रिकॉर्ड भी नहीं, इतना दिमाग नहीं चलता कि अच्छा वैसे ही फ़ोन उठा लूँ। और उसके बाद मैं सो गई थी, शाम को जगी हूँ, बर्तन सर्तन धो के थोड़े से गेहूँ उठाने थे और वो सारा काम करके मैं आप सबसे बात करने बैठी, तो लिंक दूंगी, आप सब एक बार पढ़िएगा। मेरे बड़े पापा को पता चला तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो थोड़े से सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। और मैं सच में थैंक, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू मुझे इतना प्यार, इतना इज्जत, इतना सम्मान देने के लिए। अब मैं आती हूँ कि जैसा कि उसमें लिखा है कि मैं हिम्मत तो रखती हूँ कि मैं बोलती हूँ,
और उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को सराहा बताया, जबकि ये बिल्कुल भी मुझे नहीं उन्होंने बताया था कि ये आर्टिकल आने वाला है, या फिर कोई सवाल जवाब उन्होंने मेरे से नहीं किया। जो कुछ भी लिखा है उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। तो फिर से श्रद्धा चतुर्वेदी जी, आपका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। मैं चाहती हूँ आपका अर्ली न्यूज़ जो है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी करे, तरक्की करे, और ऐसे ही हमारा और आप सबका प्यार भी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं कहना चाहूँगी हर उस यूट्यूबर, यूट्यूब पे जो महिलाएं काम करती है किसी क्षेत्र में, या फिर थक हार के अपने घरों में बैठी हैं, हिम्मत करिए, हिम्मत रखिए और कोशिश करिए कि अपने आप से जो भी आप काम करती हैं, अपने आप से, अपने मन से पूछिए कि क्या इस काम के लिए मैंने अपना 100% दिया। अगर आपको लगता है कि वाकई आपने अपने काम को 100% दिया है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो आपका। जब तक आप अपने काम को 100% नहीं देंगी फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगी। जितना मेहनत मैं आज से 6 महीना करती हूँ, शायद मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ और ये बात सच है, जितना मैं YouTube के लिए आज से 8-9 महीना पहले मैंने बहुत मेहनत की है, अभी मैं थोड़ी भी मेहनत करती हूँ तो मेरा काम शायद हो जाता है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि कड़ी मेहनत करिए, आप सब भी सफल होंगी। आप सबके भी लाइफ में ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जैसा मेरे लाइफ में आया। मेरे घर वाले भी अगर प्राउड फील ना करते हों कोई बात नहीं, जो मेरे ऊपर माँ बैठी है वो शायद करती होंगी, और मैं खुद भी अपना प्राउड फील करती हूँ जब इस तरीके की घटनाएं मेरे साथ होती हैं। आप सब भी करते हैं, आप सबके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और ये देखिए मेरी बेटी अभी इधर बगल में बैठ के बोल रही थी कि मम्मी आप अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो बस ये तो थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आप सबसे अपने दिल की बहुत सारी बातें की। आई थिंक कि आप सब सुनेंगे इस वीडियो को, बहुत सारा प्यार देंगे, और मैंने लिंक दिया है तो वहाँ से आप इस न्यूज़ को एक बार जाके पढ़िएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखें।